गाइस, आज हम आ गए 500 फीट गहरे बोरवेल के पास। देखो ये जो बोरवेल है वो 500 फीट गहरा है। मैं आपको बोरवेल के अंदर दिखाता हूँ। देखो ये बोरवेल 500 फीट गहरा है और आज की वीडियो में हम इस बोरवेल के अंदर एक स्पीकर डालकर देखेंगे और ये देखने वाले कि स्पीकर कितने फीट तक ब्लूटूथ फ्रिक्वेंसी पकड़ सकता है या फिर कितने फीट तक स्पीकर है वो बज सकता है। और ये भी देखने वाले कि बोरवेल के अंदर या फिर ज़मीन के नीचे स्पीकर बजाने पर कैसी आवाज़ आती है। तो फटाफट स्पीकर जाते हैं इसके अंदर। आप वीडियो को दिए लाइक, चैनल को दिए सब्सक्राइब। गाइज ये है स्पीकर, मैं इसके साथ यहाँ पर यह रस्सी बांध देता हूँ। देखो हम मोटी रस्सी का इस्तेमाल करेंगे। मैं फटाफट यहाँ बांध देता हूँ कुछ इस तरीके से। गाइज हमने रस्सी बांध दी है, अब स्पीकर को पहले बजा कर देखते हैं। बजा, अब इसको बजाते हुए डालते इस बोरवेल के अंदर। चलो गाइस, ये स्पीकर जैसे 10 फीट गहरा जा रहा है वहां पर देखो कभी कभी बज रहा है और कभी कभी नहीं बज रहा है। देखो 10 फुट गहरा जा चुका है, वहां पर गाना बजना बंद हो गया है। यानी कि 10 फीट तक की ब्लूटूथ फ्रीक्वेंसी काम करती है, उसके बाद फ्रीक्वेंसी काम नहीं करती है। या फिर हो सकता है फोन की ब्लूटूथ फ्रीक्वेंसी कम ज्यादा हो सकती है। बाहर निकाल लेते हैं स्पीकर को। देखो बाहर जैसे निकल रहे वैसे बज रहा है। देखो अभी ये 10 फीट ही गहरा गया है। फिर से डालते हैं और आवाज देखो किस तरह से आवाज गूंज रही है। देखो 10 फीट गया, ब्लूटूथ बजना बंद हो चुका है। तो ये साबित हो गया है कि जमीन के नीचे 10 फुट तक ब्लूटूथ काम करता है, उसके बाद ब्लूटूथ फ्रीक्वेंसी काम करना बंद हो जाती है। देखो अभी बज रहा है, जैसे ही बाहर निकलते हैं वैसे बज रहा है और आवाज देखो किस तरह से गूंज रही है। आवाज किस तरह से गूंज रही है। देखो 10 फुट गया, आवाज बंद हो गई है। तो गाइस वीडियो में मजा आए तो वीडियो को लाइक करना। बाकी मिलते हैं नए वीडियो के साथ।